मलाई के साथ 50 रोटी खाता और ताकत ही नहीं। खाता तुम भैया, लेकिन मेरे ख्याल से गाड़ी में कुछ गड़बड़ होगी। गाड़ी में क्या कर, डायनामो साफ है, बिल्कुल साफ है, हेलको ऑक्स, टायर ऑक्स, बैटरी ऑक्स, आर्मेचर ऑक्स, इग्निशन ऑक्स, मुर्गी ऑक्स, स्टॉल ऑक्स, हारमोनियम ऑक्स, स्टेबलर ऑक्स, अरे गो 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 मेरा ख्याल है हम में से किसी ने सुबह उठ कर लड़की की सूरत देखी है। तूने लड़की की सूरत देखी है? नहीं भैया, मैंने तो आने में सूरत देखी, मन्नू ने देखी। तुम ऊपर से नीचे आ रहे थे, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी। मैंने लड़की की लड़की देख रही है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो जब तक इतनी तरफ देखते रहेगी गाड़ी स्टार्ट होने वाले हैं। किसी को जाने की जरूरत नहीं भाई, अपना मन जाओ। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। सौ बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। सौ बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। इतने से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम है, शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चलाए चलाया के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। Thank you.
मिल के चलना यूं ही साथी। ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी। अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम। जो समझा उसी की मच धूम, जो समझा उसी की मच धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। इसमें तेल भर दे, बहुत अच्छा। मनु इसमें तेल भर। ओए चबा अपना जंपिंग ठीक हो गया? अरे फर्स्ट क्लास है, इस बार भी रेस में जीतेगा। रेस में जीतेगा? हाँ, एक काम कर, जरा कपड़ा मार दे और जरा तेल में चेक कर ले। बिल्कुल उस्ताद। एक बात है, अपने को रात को छुट्टी मांगता है। छुट्टी मांगता है काय को? अपने तो रामन सर का ना मद्रास का कमाल का एक्सरसाइज बताता है। अच्छा अच्छा, अपना चार फ्रेंड जाने वाला है और साथ में अपने को एक चैंपियन भी मांगता है। चैंपियन भी मांगता है। काम कौन करेगा? तो कर दिया उस्ताद, परफेक्ट। व्यू का घर चेंज किया, राहुल डाला, बाकी सब गाड़ी को कपड़े पानी से धो दिया। वेरी गुड वेरी गुड। लाहौल लाखोबत मनु इधर आ। अरे देख, बड़ी अच्छी तस्वीर है। तूने लगाई तस्वीर? नहीं। देख जी जी, मैंने लगाई। क्यों? अपने वो जो विठल है ना, विठल ड्राइवर, उसने मुझे दिया, बोला बहुत अच्छा है। एक मैंने यहाँ लगाई और दूसरी जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम की है बहुत अच्छी, मैं उसे वहाँ लगाऊंगा। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। जग्गू जग्गू साहब आया भैया। देखिए भाई यार तस्वीर। राम 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 राम। कभी तूने इस घर में औरत की तस्वीर देखी है? तूने देखी? नहीं नहीं। अगर ऐसी तस्वीर लगाना चाहता तो मैंने अब तक लगा देता। बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं लगाई? इसलिए कि मैं नहीं चाहता इस घर में कोई भी औरत के साथ वास्ता रखे। कोई भी औरत से वास्ता नहीं रखे। मोटर लेके कोई आ गई तो? हाँ, इमरजेंसी केस होगा। इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन इस तस्वीर को तेल डाल के जला दे। मन्नू इस तस्वीर को मोबिल ऑयल में डाल के बस। ए मोजिया। यस बॉस। इस तस्वीर को मोबिल ऑयल में डाल के। अपने भी छुट्टी? छुट्टी? अबे तूने वहाँ फोटो को लगाया, खाम खा मुझे मार के ला दिया। गलती हो गया उस्ताद, मैं जाऊँ चैंपियन लेके? हाँ जा। अच्छा तो पहले इसको आग लगा दो, अपने भी छुट्टी। अरे अरे, तूने मोजा को छुट्टी दे दी? अरे वो सर्कस देखना चाहता है। लेकिन यहाँ रात में कौन रहेगा? तुम रहोगे। मैं क्यों रहूंगा? प्रश्न ये उठता है, तुमने छुट्टी दी, तुम रहोगे। देखो भैया, एक दिन तुम उसे छुट्टी दे देना तो मैं रह जाऊंगा, सीधी बात। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं रहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा ना। रात को मुझे नींद आ जाती तो बड़ी मुश्किल से खुलती है। कोई ग्राहक आकर लौट गया तो फिर मुझे मत कहना। इसमें बदनामी की बात है। बिल्कुल, इसमें बड़े भैया की बदनामी, तुम्हारी बदनामी, मेरी बदनामी। सोच लो। टॉस कर ले। हाँ टॉस कर लो। हाँ मंजूर? हाँ मंजूर। अच्छा, चित मैं जीता पट तुम्हारे। हैं? चित मैं जीता पट तुम्हारे। हाँ हाँ हाँ। रेडी? देखो पट तुम्हारे। तेरी की। चित मैं जीता पट तुम्हारे। कौन है बे? अरे भैंस तेरी की, खाने पीने रात को बम मारता है। अबे बोलता क्यों नहीं, कौन है? खैर तेरी तो। क्या देख रहे हो? हम समझा कोई भूत भूत होगा। क्या? रात का मामला है ना। क्या मजे की नींद आ रही थी। तुम सो रहे थे? तुम सो रहे थे?
हाँ जी, बाहर डीएनए सर्विस की बत्ती जला रखी, तुम सो रहे थे। बत्ती जला रखी? मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। ले जी मैम साहब, बत्ती गुल हो गई, अब आप भी गुल हो जाइए, कल सुबह आके रिपोर्ट कर दीजिएगा। न जाने कहां से टपक पड़ी ये आजकल की लड़कियां हैं आफत। अरे सुनो तो, आप गई नहीं अभी तक? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। हाँ बहुत अच्छा हुआ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कल रिपोर्ट करने आएंगे तो ठीक करवा लेना। नहीं नहीं, वो तो मैंने गुस्से में कहा था। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं लड़की हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए? गुस्सा उतर गया मैम साहब? एकदम उतर गया, बिल्कुल उतर गया। गाड़ी किधर है? गाड़ी सड़क पर खड़ी। सड़क पर? ड्राइवर कहाँ? मैं खुद ड्राइव करती हूँ। अच्छा, तब तो गाड़ी जरूर खराब होनी चाहिए। आइए मेरे साथ। गाड़ी ठीक होने में जरा टाइम लगेगा, आप बैठ जाइए कहीं, बैठ जाइए ना। ओह, आप तो बिल्कुल भीग गई हैं, यहाँ कोई कपड़ा पड़ा भी तो नहीं है। वो देखिए, वो मेरा कोट उधर पड़ा है, पहन लीजिए। हाँ, वो इधर रख लीजिए। मर्जी आपकी। हाँ भाई वाह, गाड़ी भी मेम साहब की तरफ भीगी बिल्ली बनी हुई है। मिसार? ये मिसार कैसा? अच्छा, तो आप मिसार कर रही थी। देखिए उधर एक फ्लास्क रखा हुआ है, उठा के ले आइए। मैं? हाँ जी, उधर चलाओ जाकर। तो आप नहीं जाएंगी? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। ये बात है। मैं भी किसी का नौकर नहीं हूँ, जब फ्लास्क आएगा तभी काम होएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं, टूट जाएगा। ना 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 ना। लीजिए गरम चाय है, झट से पी जाइए। मैं चाय नहीं पीती। चलो अच्छा हुआ। आहा,
सुनिए, फरमाइए। जरा सिगरेट निकालिए जैसे। मेरे हाथ काले हैं। निकालिए निकालिए। माचिस। कहाँ है माचिस? नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सिगरेट गीली हो गई। अच्छा सर्दी से कांप रही है मगर दिमाग अभी तक ठंडा नहीं हुआ। एक लड़की भीगी भागी से, सोती रातों में जागी से, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी से, सोती रातों में जागी से, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी, डगमग डगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, होती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। स्टार्ट कीजिए मैम साहब।
क्या बात है? तकलीफ माफ करना मेम साहब, आपको काफी देर बैठना पड़ा। जैसा अजीब आदमी मैंने तो आज तक नहीं देखा। अब तो देख लिया ना। बात दरअसल ये है, मुझे लोग कुछ पागल सा समझते हैं। आपका क्या ख्याल? तुम पागल? तुम तो अच्छे भले आदमी को पागल बना दो। भाई वाह। अरे मेरी मजदूरी एम भाग गई। 420 कहीं की मुफ्त में काम करवा लिया। अब बच के कहाँ जाएगी? हैं? यहाँ से चोरा मेरा मतलब है इमरजेंसी केस था। इमरजेंसी? इमरजेंसी गाड़ी ठीक करवाने आई थी। लेकिन तू लड़की का इंतजार क्यों कर रहा है? बगैर पैसे दिए वे चली गई। कंपनी का सामान दिया उसे? कहीं से चोरी तो नहीं की उसने? चोरी तो नहीं की, अपनी मेहनत फजूल गई। ये बैग रख गई है, जरूर वापस आएगी। तेरे मेहनत के कितने पैसे हुए? 5 रुपए 12 आने। तो 5 रुपए 12 आने इस बैग में से निकाल। और तो 5 रुपए 12 आने कंपनी के नाम से डेबिट कर। बहुत अच्छा, ला निकालो। लड़की से बगैर पूछे मैं बैग कैसे खोलूं? क्या बकता है, बड़े भैया कह रहे हैं निकालो। निकाल, तुम भी खोलो ना भैया। ये शराफत के खिलाफ मैं कैसे करूं? बिल्कुल ये शराफत के खिलाफ है। क्या बात करता है, समझ में नहीं आता। ले तू खोल। मैं कैसे खोल सकता हूँ भैया? मैं कभी लड़की का बात छूता तक नहीं। मैं कह रहा हूँ खोल। आप कह रहे हैं तो मैं खोल लेता हूँ, नहीं तो मैं कभी छूता नहीं हूँ। कारतूस? कहीं रोल में ना हो सवाल। एक कारतूस नहीं, ये लिपस्टिक ही देख। बिल्कुल कारतूस जैसे लगती है। जरा इसमें एक भी पैसा नहीं, वो तुझे बुद्धू बना गई कदे। चेक 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 चेक। आई एम सॉरी, ये तो किसी इनविटेशन का शो है। शो का इनविटेशन? देख वो लड़की वहां जरूर जाएगी। तू ये कारतूस ये बैग उसे लौटा दे और उसे 5 रुपए 12 आने मांग ले। हाँ, तो ठीक है भैया, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने लड़की को देखा नहीं तो मैं क्यों जाऊं? कसूर इसका, इसको जाना। ठीक ठीक मैं समझा, तू चले जा। अच्छा जा। तुम भी मेरे साथ चलो ना। मैं क्यों चलूं, मैं किसी लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा तो टॉस। टॉस? ऑल राइट। जीत मैं जीता पर तुम हारे। तू समझ गया? नोट। अच्छा तो मैं ही चला जाता हूँ। अरे ये तो स्टेज पास है, आप उधर तशरीफ ले जाइए। मिस्टर रेणु सुनिए, ये पास आपका है? जी हाँ। मगर इस पे तो मिस रेनू का नाम लिखा हुआ है। मुझे उन्हीं से मिलना है। आप नहीं मिल सकते, बगैर काम के अंदर जाना मना है। मगर मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? 5 रुपए 12 आने वसूल करने। 5 रुपए 12 आने? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप बाहर जाइए। आप सुनिए तो, अगर मैं 5 रुपए 12 आने वसूल, शो खत्म होने तक बाहर जाइए। मैं शो खत्म होने तक नहीं ठहर सकता। मुझे गोरखा गोरखा नहीं, अगर आपसे अब बच के कहाँ जाएगी? 5 रुपए 12 आने लेके रहूंगा।
अच्छा शीला अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, कहीं कल की तरफ फिर गाड़ी रुक गई तो मुझे बताएगी। अच्छा फिर मैं कल आऊंगी। हाँ कल सुबह आ जाना। हाँ, हाँ। सारा दिन मेरे साथ रहना होगा, खाना मेरे साथ खाना होगा, और शॉपिंग भी चलूंगी ना। हाँ। और घूमने। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा दुआ करने के रास्ते में गाड़ी ना। अच्छा दुआ करें। और गुड नाइट। गुड नाइट। तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा पाँच रुपया बारह आना, पाँच रुपया बारह आना, मारेगा भैया ना 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 ना। दिल रुबाओ क्या कहा, दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना, तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये गिजा मिलती है लैला, ये गिजा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो हो जोश उल्फत का जमाना, लागे है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोश उल्फत का जमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा पाँच रुपया बारह आना, पाँच रुपया बारह आना, मारेगा भैया ना 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 ना। हम भुला साज उठा, राग मेरे रूप की तू गाए जहां। हाय दिल रुबाए, हाय दिल रुबाए, हाँ इसी अंदाज से फरमाए जा। गीत सुना सकता हूँ दादरा, गिन कर पूरे बारह मात्रा, चाहे नमूना देख लो। धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में, अरे भंवरा धीरे से जाना बगियन में। ओ ये लला डिंग लला, ओ ये लला हाय। ओ हो तू कला का है दीवाना, कम है क्या तुझको बहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। हाँ ये अच्छा है बहाना, मैं कला का हूँ दीवाना, लेकिन पहले दे दो मेरा पाँच रुपया बारह आना, पाँच रुपया बारह आना, मारेगा भैया ना 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 ना। बेखबर प्यार कर, धन की दुनिया क्या है ढलती छाया है। हाय 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 दिल रुबा सच कहा, साँच तेरा प्यार बाकी माया है,
तेरे लिए जोगी बन सकता हूँ, जंगल जंगल फिर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। बुमक बिम बुमक बिम बुमक बुम बुमक, तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गजरी में लागा चोर चोर। ओ मैं हूँ तेरी जान जाना, आ मुझे से लाओ लगाना, देखे एक अंगड़ाई मुझ पे डाल, नजर बन जा दीवाना। जय गुरु मैंने ये माना, तू है मेरी जान जाना, लेकिन पहले दे दो मेरा या दुई त्रां चार पांच, पांच रुपया बारह आना, पांच रुपया बारह आना, मारेगा भैया ना 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 ना, पांच रुपया बारह आना, बारह आना बारह आना। ये तो गैरेज मालूम होता है, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? दो बज गए? अरे बाप रे, अरे तो बुरी तरह फंस गया, अब कैसे निकले? मुझे बाहर जाने का रास्ता बतलाइए। कौन है तुम? अरे पहचाना नहीं आपने? कल आप मेरे गैरेज में आई थी ना, मैंने आपकी गाड़ी ठीक की थी,
हाँ, तो लाइए 5 रुपए 12। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? आप ही तो साथ ले आए। क्या? मैं आपकी गाड़ी में सो गया था, आपने मुझे देखा भी नहीं। मेरी गाड़ी में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल खराब है जी, वरना 5 रुपए 12 के लिए इतनी मुसीबत क्यों उठानी पड़ती। मालूम नहीं किधर गया था, कहीं रह तो नहीं क्या? चलो मेरे साथ। देखिए आप मुझे कोई छुपने की जगह बताइए। कोई जगह नहीं है। अरे वो लोग मुझे पकड़ पकड़ के मारेंगे। बहुत अच्छा होगा, आज ही रात को 5 रुपए मांगने आए हो। देखिए अगर आपने दरवाजा खोला तो मैं सबसे कह दूंगा। क्या कह दूंगा? यही कि आप मुझे अपने साथ लाई थी। क्या? हाँ। मैं तुम्हें अपने साथ लाई थी? बिल्कुल, मैं आपकी गाड़ी में बैठा था, दरवाजा खोलिए, मैं सबसे कह दूंगा। रेनू बेटा दरवाजा खोलो बेटा। रेनू आए आए पिताजी। रेनू दरवाजा खोल बेटा। पिताजी क्या बात है पिताजी? तू ठीक तो है बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। तो फिर चिल्लाई क्यों थी? मैं तो नहीं चिल्लाई पिताजी। अरे मैंने अपने कानों से सुना। मैंने तो कुछ नहीं सुना, देखा था। देखा था? हाँ सपना देखा था। सपना? पिस्तौल किस लिए? घर में चोर घुसा है बेटा। मेरे कमरे में कोई नहीं आया पिताजी, मैं तो बड़े आराम से सो रही थी। तो फिर तुझे कैसे मालूम होगा? वो जरूर यही कहीं छुपा है। नहीं पिताजी। पिताजी आप अभी अभी नींद से उठे हैं। अरे आपका दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। आप घबरा ज्यादा गए हैं। अरे मैं घबरा गया हूँ? मैं अभी उसे गोली से उड़ा दूंगा। तू जरा हट तो सही, मुझे देखने दे। अरे निकलता क्यों नहीं? कोई भी तो नहीं है पिताजी। इधर गया वो चिकन घिलने, समझ नहीं आता। क्या हम उसी टांगे टूट जाएंगे? टांगे? पलंग की बहुत कमजोर है पिताजी। मेरा ख्याल है छत पर जाकर छुप गया है। तो फिर मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। छत पे? छत पे? अच्छा तो मैं वहीं जाता हूँ, तू अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर ले, घबरान नहीं। हाँ अरे वो चुप है वो पठान, सब तो सब चलो मेरे साथ। जाता हूँ, जरा दम तो ले लूँ, कमर तोड़ के रखती है।
इसके बाद मालूम क्या हुआ? मैं बड़ी देर तक भिखारियों के झुंड में पड़ा रहा। अच्छा, पुलिस आई, लाश को उठाकर ले गई और तब मैं यहाँ पहुंच पाया। कहानी तो बड़ी धांसू है। ऐसी कहानी मैंने कहीं जरूर पढ़ी। जरूर पढ़ी, अगर तुम मेरी जगह होते ना तो पता चल जाता। अब प्रश्न ये उठता है, कि कानून के मुताबिक तुझे पुलिस जाके कहना था कि तूने क्या क्या देखा। लेकिन भैया, पुलिस ही तो लाश को उठा कर ले गई। मुझे मालूम है, और भी गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। हाँ। लेकिन मोटी बात ये हुई, 5 रुपए 12 आने तुझसे वसूल करते नहीं बने। बिल्कुल नहीं बने। तो फिर इसलिए मैं कहता, औरतों से वास्ता मत रख, मत रख। उनकी गाड़ियां मत सुधार, उन्हें तो कभी खुश नहीं कर सकेगा। सबके सब धोखेबाज है। सब 420। गलत, हर लड़की 420 नहीं होती। तुझे कैसे मालूम कि वो लड़की 420 नहीं है? वो आके पैसे चुका देगी। उसने तुझसे कहा? हाँ, अब रात के 2 बजे। रात के 2 बजे वो पैसे चुकाने आएगा, हम लोग बैठे रहेंगे। मेरा मतलब है, रात के 2 बजे उसने ये कहा कि वो आज आके पैसे चुका देगी। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे? 10 या 10:30। 10 या 10:30? बकवास, तुझे वहां भेजना ही गलत हुआ। तू जब लड़कियों को देखता तो खुश हो जाता है। मैं खुश हो जाता हूँ? काम कर अपना, चल जा काम कर। भैया, मैंने इसको 50 मरतबा कहा, मन्नू तू लड़कियों को देख के खुश मत हो, अपना काम कर। और तू खेल नहीं। क्या है? कुछ नहीं, वैसे ही पूछा। तू क्या मुझसे नाराज है? नहीं तो क्यों? एक बात पूछूं, तू क्या सचमुच लड़की के ऊपर गिर गया था? कह तो दिया हाँ, गिर गया था। अब तो लड़की बड़ी अच्छी है। तुम्हें कैसे मालूम? क्यों नहीं, नहीं तो वो तुझे जेल नहीं भिजवा देती। एक बात बता, देखने में कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, उम्र कितनी लड़की की? 60 साल। 60 इयर्स। 60 साल? 60 इयर्स? बुड्ढी है। मजाक मत कर मन्नू, सच बताना कितनी उम्र? होगी कोई 20-22 की बस। 20-22 की? वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, अरे तब बुलाया तुझे है? भैया के सामने तो मुझे डांटते हो और अकेले में लड़की की बातें पूछते हो। लड़ने आए थे, उठो लड़ो। तू हमारा भैया। भैया क्या भले मानस, बच्चों पर रोब काट रहे हो? भैया मुझे ने गलती से उसके मुंह के ऊपर रंग छिड़क दिया। इस चपड़कंचू ने ऐसा मारा कि बेचारा बाप का नाम भूल गया। मैंने उसको उठा के ऐसा मारा। क्या मारेगा, गाने बजाने वाला। लेकिन तुझे क्या हुआ, 50 रोटी रोज खाता है लेकिन भूतों पर वजन नहीं डाल सकता। भैया मैंने दिया था वजन, जोर से मारता है। अरे तुम ही वजन डाल के दिखाओ ना, कम ऑन। भैया भैया भैया, एक अपर कट, एक अपर कट। आओ ऐसा ये बात। भैया एक अपर कट, एक अपर कट। राइट सीन क्या दिख रहे तारे? अब मैं दिखाता हूँ। पूछ इससे बाप का नाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेट्स गेट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? हाँ। जोर लगा के, भैया पैर जमा के, Ready? 1, 2, 3!
साढ़े दस कहता था साढ़े दस बजे पैसे लेकर आएगी। आज कार्बोरेटर में शायद कचरा है और ब्रेक भी ठीक से नहीं लग। आप पहले पहला बिल चुकाइए फिर मैं दूसरा काम करूंगा। पहला बिल? जी हाँ, 5 रुपए 12 आने। मगर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। अच्छा, आप यहाँ पहली बार आई हैं? जी हाँ। मन्नू जग्गू। कमिंग। देखिए, आप मन्नू को बना सकते हैं लेकिन मैं बड़ा टेढ़ा आदमी हूँ। मन्नू? कौन मन्नू? मैं किसी मन्नू को नहीं जानती। अच्छा, आप मन्नू को जानती भी नहीं? जी नहीं। परसों रात के 2 बजे उसने आपकी गाड़ी सुधारी, कल रात 2 बजे वो आपके घर गया। भैया चुप है। रात के 2 बजे मेरे घर और ये आपने मुझे क्या समझ रखा? क्या समझ रखा? हम लोगों को क्या समझा? मुफ्त में काम करवाएंगी? आप पैसे देती नहीं तो मैं पुलिस को टेलीफोन। भैया 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 चुप रहो, बेकार है। आप 5 रुपए 12 देती कि नहीं? अच्छी जबरदस्ती है 5 रुपए 12। इसने मेहनत नहीं की, तूने उस दिन कहा तेरे मेहनत के कितने पैसे हुए? 5 रुपए 12 ने। 5 रुपए लेकिन भैया ये मर गया। 5 रुपए 12 ने। ये लीजिए, ये लीजिए, 4 आने वापस दे दे और ये रहे आपका रसीद। जी हाँ, अच्छी मुसीबत है, 4 आने वापस दीजिए। हेलो हेलो, मोहन ब्रदर्स मोटर गैरेज। जी हाँ, कहिए। कौन? मनमोहन? नहीं, मैं उसका बड़ा भाई। ओ, देखिए जरा मनमोहन को बुला दीजिए। कौन लड़की तुझे बुला रही है? जी आप मुझसे कहिए, मैं ब्रजमोहन हूँ, उसका बड़ा भाई। मोहन काम पर है। देखिए, मैं सेठ किशन जी की कोठी से बोल रही हूँ। मनमोहन ने हमारी गाड़ी पहले बनाई थी। कब? रात के 2 बजे। हाँ, वो गाड़ी फिर खराब हो गई है। यानी आपको 5 रुपए 12 ने देने थे? ओ, मैंने तो किसी दूसरी लड़की से चार्ज कर लिया, ये तो माफ कीजिए गलती हो गई। जी दीदी, आपसे नहीं, आपको क्या काम है? फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, मैं किसी को भेज देता हूँ। अब तो आपको यकीन आया कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ? माफ कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप एक काम कीजिए, बैठ जाइए, आपकी गाड़ी ठीक कर दी जाएगी। ये लीजिए। थैंक यू। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुमने मुझे कहने का दिया? प्रश्न ये उठता है, ये वो लड़की नहीं है लेकिन इसका बैग बिल्कुल वैसी था। यही तो गलतफहमी मुझे हो गई। सर जाने दे इस बात को, तो एक काम कर, पेडर रोड पर सर किशनदास का घर चले जा, उसकी लड़की गाड़ी ठीक कर दे। लड़की? अरे पर इससे तो पैसे वसूल नहीं हो तो उसको भेजने से फायदा क्या? वैसे तो भैया मैं किसी लड़की के घर जाता नहीं, तुम कहते हो तो ठीक है। इस गाड़ी का कार्बोरेटर साफ कर दे, ब्रेक भी ठीक कर दे, जो कुछ खराब है सब ठीक कर। अच्छा, और पैसे मत लेना। क्यों? अरे बहुत गड़बड़ कर दी मैंने, इंसल्ट भी कर दी उसकी। हाँ हाँ, किसी ने बुलाया था? किसने बुलाया था? जी ये पता नहीं, शायद आप दोनों में से किसी ने बुलाया था। शीला, मुझे क्या मालूम कौन है? मिस्टर, आप किसी गलत जगह पर आ गए हैं। ये कैसे हो सकता है? फोन पर तो यही का पता दिया हुआ था। फोन? ओह, तो क्या आप गैरेज से आ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जिसने मेरी गाड़ी पहले बनाई थी वो तो मेरा छोटा भाई है। वो क्यों नहीं आया? वो क्या करता? वो मैकेनिक है, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर। अच्छा अच्छा, इंजीनियर साहब, आप गाड़ी कितनी देर में ठीक करेंगे? जी वो तो मैं देख कर ही बता सकता हूँ। देखिए देखिए बेटा, रेनो गाड़ी जल्दी ठीक कीजिए। जा क्या हुआ? आप जरा अलग हट जाएंगे तो मैं काम कर सकूंगा। ओह, जाइए जल्दी कीजिए ना। अरे नहीं, नहीं, ये ठीक है जी। तो फिर प्लग में मिस्टेक मालूम होगी। प्लग भी ठीक, बैटरी चार्ज, मैंने सब ऊपर देख लिया, मालूम होता है नीचे कुछ खराब है। नीचे? हाँ नीचे, आप जाकर देखिए। जी
आप मेरा मूंछा देख रहे हैं जी? कुछ नहीं, आपके मुंह पे काला काला लग गया। जी मैं हाँ बोल दीजिए ना। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? जी मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मुझे एक गिलास पानी मंगवा दीजिए। पानी? पानी तो आ जाएगा, मगर आप नीचे जाके तो देखिए। मैं अभी जाता हूँ। जाइए जाइए जल्दी जाइए। हेलो मोहन ब्रदर्स मोटर गैरेज। मोहन ब्रदर्स गैरेज। देखिए आपने किस आदमी को भेज दिया है, वो अभी तक गाड़ी वाड़ी बिल्कुल ठीक नहीं कर सका, 10 गिलास पानी पी गया है। हाँ आप मनमोहन को भेज दीजिए। अच्छा आप फिक्र न कीजिए, मैं और किसी को भेजता हूँ। थैंक्स। मन्नो जरा जग्गू से गाड़ी ठीक नहीं हो रही, तू चला जा। मैं नहीं जाता, मेरे को भी काम है। अरे उससे कुछ बन नहीं रहा, वो पानी पर पानी पीता चला जा रहा, 10 गिलास पानी पी चुका है। 10 गिलास पानी? तू चला जा, मैं गाड़ी ले जा। हाँ गाड़ी ले जा। अरे अभी तक गाड़ी ठीक नहीं हुई। नहीं, वो गाड़ी आपकी है? वो हम लोगों की गाड़ी है। बड़ी अजीब सी मालूम पड़ती है। अजीब सी? रेसिंग कार है, रेसिंग कार 21 मॉडल। मैं देख सकती हूँ? हाँ शौक से। सुनिए वो मेरे बड़े भाई गैरेज से आए थे ना, कहाँ है? वो नीचे है। नीचे? ए जग्गी भैया, अरे क्या हो गया? मैं बुरी तरह फंस गया हूँ मन्नू, तू मुझे बाहर निकाल। अच्छा अच्छा लड़की गई? हाँ गई, मगर तुम अंदर कैसे पहुंच गए? पूछ मत, उसने मुझे अंदर धकेल दिया। वो कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगा। तू बोल गाड़ी लाया कि नहीं? हाँ गाड़ी लाया। चलो मैं तो भागा। और सुन 5 रुपए बारह ने तू भी वसूल करके लाना, मैं तो चाहता हूँ। अरे जग्गी भैया जान बची, बाप रे जान बची, जान बची तो लाखों पाए घर के बुद्धू घर को आए। जान बची तो लाखों पाए घर के बुद्धू घर के। मेरी छोटी सी दुनिया रे, छोटी सी। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? कौन बोला? कोई तो नहीं है। अरे मुझे कहाँ भगा ले जा रहे हो? आप यहाँ सुनिए सुनिए, ठहरिए ना मेरी बात तो सुनिए, ठहरिए। मैं तो गया, अब बिल से भागा नहीं जाता, मैं थक गया हूँ। तो ठीक है चलिए गाड़ी में चल के बैठ जाइए। गाड़ी में? प्रश्न ये उठता है मैं आपके साथ गाड़ी में कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों, क्या कोई मैं शेरनी हूँ? शेरनी की सवा शेरनी ये तो मैं नहीं जानता, मगर आप कुछ है जरूर। चलिए चलिए ठीक तरीके से गाड़ी में चल के बैठ जाइए। चलो अब बताइए अब मुझे कहाँ जाना होगा? मुझे मेरे घर छोड़ाइए। आपके घर? अच्छा गले मुसीबत पड़ गई मेरे भगवान। क्या कहा? नहीं 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 आप मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं अपने आप से बोला। तो चलिए कब आए तुम? ये तो थोड़ी देर हुई, मुझे खबर भी नहीं थी। गाड़ी जो ठीक कर रहा था। ठीक हो गई गाड़ी? हाँ हाँ, ये तो बस 2 मिनट का काम था। तुम्हारा भाई तो ठीक नहीं कर सका, वो घबरा गए थे। लड़कियों से जरा घबराते हैं। तमाम रात परेशान रहा इंस्पेक्टर साहब, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, भागते भागते मेरे फेफड़े भूल गए। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ कैसे आ गए? कल रात हमारे घर में चोर आया था, उसी के लिए। आपने सब कुछ बता दिया? इंस्पेक्टर साहब घर का सारा सामान छोड़कर सिर्फ 3 केले और 2 सेब खाकर चला गया।
जी मुझे तो शक है कि वो आदमी शायद खूनियों के गिरोह का था। खूनियों के गिरोह का? जी हाँ, देखिए ना, कल रात आपके मोहल्ले में लालचंद नाम के एक मशहूर जोड़ी का खून हुआ। सड़क पर उसकी लाश मिली। पुलिस के आने से पहले ही वो बदमाश वहाँ से भाग गए। हो सकता है कि उन्हीं के गिरोह का कोई आदमी आपके घर में घुसाया हो। बाप रे बाप, तब तो इंस्पेक्टर साहब अच्छी तरह से तलाशी लीजिए, क्योंकि बदमाश ने मेरा घर देख लिया। आप फिक्र मत कीजिए, खून का मामला है, मैं खास तौर से तहकीकात करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक मैं ये जेवर वगैरह बैंक में रख कर आता हूँ। क्यों बेटा, गाड़ी ठीक है ना? हाँ जी। छरी, पहले मैं आपके ड्राइवर से कुछ पूछताछ कर लूँ। ड्राइवर? अरे ड्राइवर को तो और नौकरों के साथ आपने हिरासत में ले रखा, तो ये कौन है? कौन हो तुम? जी मैं मैकेनिक। मैकेनिक? गाड़ी बनाने आया था। गाड़ी बनाने आया? इससे पहले भी कभी तुम यहाँ आए थे? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मैं आपके घर के नौकर चाकरों से कुछ पूछताछ कर लूँ। अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, बदमाश का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जी बेटा, ये गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगी डैडी। अरे बाबा, इतना बड़ा जोखिम मैं साथ लेकर जा रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी फिर बिगड़ गई तो? इसे साथ ले ले। हाँ हाँ, मैं साथ चलता हूँ। ओह ठीक है, चलो चलिए चलिए। अब तो आपकी गाड़ी नॉक नहीं करती ना? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हाथ लगे और गाड़ी नॉक कर जाए? अभी तक किसी कंपनी ने ऐसा मॉडल बनाया ही नहीं है। और स्पीड दीजिए, और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो? कल रात जब से चोर आया मेरा दिल यूं ही घबराया हुआ है। क्या आपके घर में सचमुच चोर आया था? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या चुराया? अजय हैरानगी तो इसी बात का है कि चुरा कर कुछ भी नहीं ले गया। चुराता भी कैसे, वो कोई चोरी करने थोड़ी आया था, वो तो दरअसल अपने पाँच रुपए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, क्या हुआ? ये पाँच रुपए क्या कह रहे? कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वो कोई चोर नहीं था, बहुत बड़ा साधु था। साधु? तभी तो पाँच फल खाकर चला गया। तीन केले और दो 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 सेब, पाँच। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में तो वो कोई पागल था। अब तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं डैडी, जरा स्लिप हो गया। अरे जरा संभाल के गाड़ी चला बेटा, और खैरियत से मुझे ये जेवर वगैरह बैंक में रख लेने दे। क्या मुसीबत है गाड़ी चलाती। चोर की बात डैडी के सामने क्यों चलाई थी? तुम तो सभी कुछ बकने लगे थे, एकदम पागल हो। अभी आपने पागलपन देखा ही कहाँ है, जरा मेरे भाइयों से मिलिए तो पता चल जाएगा। अरे मैं तो उन लोगों के मुकाबले में बहुत ही कम हूँ। आज सुबह जो गाड़ी बनाने आए थे और 10 गिलास पानी पी गए। हाँ, 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 वो मेरे मझले भैया है, जग्गू भैया है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मगर बिजली का काम नहीं करते। लड़कियों की बात मेरा जरूर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को सामने देखते उनकी घिग्गी बंद हो जाती है। और तुम? मैं? मेरा मामला जरा उल्टा है। क्या? लड़कियां मुझसे घबराती हैं। कल रात को आपका जो हाल हुआ था वो तो आप जानती ही हैं। ऐसा मत, तुम भी कमाल करते हो, 5 रुपए बाराने का बिल वसूल करने के लिए इस तरह आना चाहिए था क्या? और कोई चारा भी तो ना था, ना आता तो बड़े भैया मुक्के मार मार कर मेरा चौका ढीला कर देते, और फिर खास तौर पर लड़कियों की गाड़ी का बिल। अरे बाप रे। क्यों, लड़कियों ने ऐसा क्या किया? ये तो मुझे पता नहीं, मगर हाँ बड़े भैया को लड़कियों से खास चिड़ है। सिर्फ लड़कियों से नहीं बल्कि लड़कियों की तस्वीरों से भी चिड़ है। उनका हुक्म है कि लड़कियों से बात मत करो, लड़कियों की गाड़ी मत सुधारो। और रात को 2 बजे 5 रुपए बाराने का बिल वसूल करने के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा था। और नहीं तो क्या। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हारे गैरेज तुम्हें छोड़ने। अरे नहीं नहीं, ऐसा कदम न करना, अगर बड़े भैया ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक काम कीजिए, आप मुझे बिल का पैसा दे दीजिए, मैं यहीं उतर जाता हूँ। बिल के पैसे मैं उन्हीं को दे दूंगी कभी किसी ठीक वक्त पर। और ये भी देख लूंगी कि लड़कियों से कितना चिढ़ते हैं। ये आप जाने और आपका काम, मगर मुझे यहीं उतरने दीजिए प्लीज। प्लीज रोकिए, प्लीज रोकिए। देखिए, अच्छा चलने दीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी बजे है 12, इस वक्त बड़े भैया गैरेज में नहीं रहते, चलने दीजिए।
थी और समा रंगीन समझ गए ना, डारा डारा डारा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो आहा हा। खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो आहा हा। क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो आहा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। फूटे बुलबुल्ले दोनों ना फड़के, उसने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। जैसे कहती हो सुन रे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। फिर दोनों के दिल धक 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 धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। थोड़ा थोड़ा सा लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा आहा हा। फिर उसका पल्लू बनके उसका दास, धीरे धीरे मैंने खींचा आहा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा आहा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ये सब सच है? सब झूठ है। जब रैनी की शादी हो जाएगी तब तो आप ऐसे खाने के लिए तरस जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहती है बेटा। क्यों बेटा, तुमने राजा हरदयाल का नाम सुना है? क्यों पिताजी? कल वो हमारे घर आ रहे हैं। वो हमारे घर क्यों आ रहे हैं? तुझे देखने के लिए। उनका छोटा भाई राजकुमार प्रकाश चंद कुछ ही दिनों में विलायत से वापस आ रहा है। आ रहा होगा। राजा साहब कह रहे थे कि लड़का बड़ा ही होनहार है।
देखने में भी सुंदर है और स्वभाव भी बहुत अच्छा है। होगा। मेरे ख्याल में तो वो लड़का हर तरह से तेरे लायक है। मेरे लायक? तो क्या आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं? नहीं तो क्या चाचा जी तुम्हें राजकुमारी बनाना चाहते हैं। तो क्या आपने बात पक्की कर ली? नहीं बेटा, तेरी मर्जी के बगैर भला कैसे पक्की कर सकता हूँ। प्रकाश आएगा, तू उसे देख ले, अगर पसंद आ जाए तो हाँ कर देना। लेकिन पिताजी इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी? जल्दी? अरे तेरी माँ जिंदा होती है तो 4 साल पहले ही शादी हो जाती। पिताजी मैं किसी राजकुमार से शादी नहीं करूंगी। पहले देख तो ले। मैं जानती हूँ उसमें वही सब बातें होंगी जिससे मुझे चिड़े। हो सकता नहीं भी हो, बनावट झूठी अकड़ सब पैसे वालों में होती, मगर तुमने तो नहीं है। शाबाश, अब तू समझा अपनी सहेली को। मैं जाता हूँ हाथ में की गोली खाने। राजकुमार का नाम सुनते तो तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। सूरत तो ऐसी बना रखी जैसे सचमुच नाराज। नहीं तो क्या, समझी? हाँ समझी बेबकू। चाचा जी तुम्हें राजकुमारी बनाना चाहते? ठीक है, आपकी बात चाचा जी से कह दूंगी कि राजकुमार से काम नहीं चलेगा, कोई नवाब या बादशाह से शादी कर दे। शादी शादी शादी, तू मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है? तुझे शादी की इतनी पड़ी है तो तू अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती? हाय हाय, मैं तो रात दिन यही सोचती हूँ कब होगी मेरी शादी। मैं बताऊ, तू उस राजकुमार से शादी कर ले घर, वो राजकुमार तो मुझे भी नहीं दसता। फिर क्या दसता है, मुझे तो कोई गोल मटोल सा चाहिए। गोल मटोल अच्छा रहेगा ना? अरे क्या अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बुद्धू भी होना चाहिए। बुद्धू क्यों? इसलिए कि आजकल के चालाक लड़के काबू में नहीं आते। मुझे तो ऐसा चाहिए, जो मैं कहूँ उठो तो उठ जा, मैं कहूँ बैठो तो बैठ जा। वेरी गुड, मालूम होता है कोई बुद्धू पहले से नजर में है। बहुत से है, मुझे तो सिलेक्शन करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा अब तुम बताओ। बताओ? अभी नहीं। What disturbing? Excuse me, I'm just coming. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम साहब। सब लोग कहाँ हैं? आज तो छुट्टी के दिन मैम साहब, कोई काम नहीं होगा। मन्नू कहाँ है? वो लोग सब ऊपर सो रहे मैम साहब। अभी तक सो रहे हैं? वो तो 12 बजे उठेंगे। क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी मैम साहब, मुझे मन्नू साहब से जरूरी काम है। ओ तो आप सीधा ऊपर चले जाइए और लेफ्ट टर्न कीजिए, सामने मन्नू साहब सोइला है। टी 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 डी 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 डी। ओ आई एम सॉरी, कम ऑन। टी 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 डी 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 डी। उठो। किसी ने देखा तुम्हें? आप यहाँ कैसे पहुंच गई? जैसे तुम हमारे घर पहुंच गए थे। अरे मैं तो गलती से पहुंच गया था। मैं भी गलती से पहुंच गई। देखिए अगर जग्गू भैया बिज्जू भैया देख लिया तो मेरा गुलिया अटैक कर देंगे। वो दोनों भी अभी तक सो रहे हैं? हाँ हाँ, अभी मौका है, भाग जाइए प्लीज। मैं 5 रुपए 12 नहीं देनी आई। अजी मैंने 5 रुपए 12 नहीं माफ की, प्लीज जाइए। क्यों? जब तुम हमारे घर आए थे तो सारे घर को सर पर उठा लिया था, एक उधार मचा दिया था। आज मैं 5 रुपए 12 नहीं देकर ही जाऊंगी। अरे बताओ, 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 बताओ
मेरे कमरे में घुसा गई। मेरे कमरे में घुस गई। कौन सी लड़की? अरे वो पेट्रोल वाली। पेट्रोल वाली? हाँ मोटर वाली है। वो मेरे कमरे में घुसा गई। तू चाय मैं ले जाती हूँ, तुम जाओ। मैं जानता था एक दिन तुम जरूर आओगी। तब से तुम्हारा इंतजार था। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? चाय। क्या वजह? नो। अरे बड़ी जल्दी उठा दिया तूने। भेजना उड़ी तो लेना। कैसे तोड़ रहा है? चल छोड़, फिर दबा दे। हाँ? नहीं नहीं क्या? जग्गू मन्नू मजिया। अरे आप जग्गू चिल्ला रहे हैं। मैं मोटर का बिल देने आई थी। कौन सा बिल? वो जो मोटर बनाई थी उसका बिल देने आई। कौन हो तुम? मैं रेनू। रेनू? कौन सी रेनू? कहाँ की रेनू? ए जग्गू ये कोई रेनू? एक लड़की कमरे में आ गई। चल भागो भागो। छिपो सुधा 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 लाओ। खेलो मत खेलो मत। नहीं खेलो मत। जग्गू जरा दूर हटिए, जरा दूर हटिए। जग्गू वो तो बिल चुकाने आई है लेकिन मेरे कमरे में कैसे आई? तो मन्नू तेरे को मालूम? तेरे को मालूम? नहीं 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 नहीं। पांच रुपए बारह आने वाली। तो उसे तूने उसे बुलाया? मैं क्यों उसे बुलाता? अपने आप आ गई होगी। इतनी बड़ी लड़की बिना बुलाए कैसे चली आती? कैसी आ जाती? ऐसे मेरे आ जाने से आप सब परेशान हो गए हैं। नहीं नहीं परेशानी कोई बात नहीं। अगर आपको बिल चुकाना था तो ऑफिस में चली आती। आप ऊपर में चले आए, बिस्तर में सो रहा था। आज छुट्टी का दिन है। सुनिए तो सही, मैं ऑफिस में गई थी बिल देने, लेकिन वहाँ भी एक लड़का नाच रहा था। भी भी भी? अरे देख ये ऑफिस में बिल देने गई थी और मोजी वहाँ नाच रहा था। बदतमीजी, तू बॉक्सिंग ग्लव्स ला। मैं जाने दो भैया, जाने दो। जाने कैसे दो? मुझे एक काम है, मैं मन्नू को ले जाऊं। देखिए मैं, मुझे ये सब पसंद नहीं कि मेरे भाई किसी लड़की का। ये किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर इनके कमरे से मिली है। लड़की? लड़की की तस्वीर? देखो दिखा मुझे। देखो 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 दिखा ना। लड़की की तस्वीर? लड़की देखो देखो तो मुझे फट जाएगी। लेकिन मेरे कमरे में लड़की की तस्वीर कैसे? मैं समझ गया लेकिन मेरे बिस्तर पर? आपके तकिए के नीचे? लेकिन मेरे तकिए के नीचे लड़की की तस्वीर? ये कैसे भैया? मोबाइल ऑयल डाल के जला दूं? मोबाइल ऑयल डालने की जरूरत नहीं। मुझे पता, काम कीजिए इसे आप ले जाइए और मुझे ये पता लगाना है कि मेरे तकिए पर लड़की की बिस्तर कैसी आई। मेरे बिस्तर पर लड़की की? मैं पता लगाता हूँ। कमरे में लड़की की बिस्तर पर? मन्नू लेट्स गो। चलो सब चले गए, प्रश्न ही उठता। मैं तो सो ही जाता हूँ। बाहर निकलो। ये आप मुझे कहाँ ले आई? ये आप बंद करो। सॉरी। चौकी संभालो। जगह कैसी है? बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती।
मैं मरम्मत किसकी करूंगा? अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। और भला क्या काम हो सकता है? और बहुत से काम हो सकते हैं। जैसे? कर सकोगे? मैं हर काम कर सकता हूँ। सोच लो। सोच लिया। और अगर न कर सके तो? हार मान जाऊंगा। ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए। क्या? हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा। टोकरी? मंजूर? मंजूर। काम तो बताइए। जरा सोच तो लू। हाँ हाँ। वो देखते हो? वो? हाँ हाँ। क्या? मुर्गी? हाँ, पकड़ लाओ। मुर्गी? हाँ। ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए। क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। उड़े दी उड़े दी उड़े बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का? है, क्या ख्याल है आपका? है, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों? कभी कुछ कहती है जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का? हाय हाय क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। उड़े दी उड़े दी उड़े सुनो जी समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कहो जी हाँ। कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या? सुनो जी समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कभी कुछ कहती है जरा नजर को संभालना।
हाय हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। मैं फंस। आज का दिन किस खुशी में गुजर गया? पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। दिन तो क्या, मुझे तो ये रात भी बड़ी अच्छी तरह याद रहेगी। क्यों? घर में जाकर बड़े भैया से कितने मुक्के खाने पड़ेंगे ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। चलो चलो देर हो रही। तुम अपने भाइयों से इतना डरते हो? नहीं नहीं नहीं, डरता नहीं, डरना पड़ता है। क्यों? बात दरअसल ये है कि वो लोग मुझे बेहद चाहते हैं, मैं भी उन लोगों को बेहद चाहता हूँ, इसीलिए डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी की वजह से वो लोग नाराज हो जाए, या और कुछ नहीं। आहा, क्या ठंडी हवा है, है? आह क्या ठंडी हवा है, कितनी खूबसूरत जगह है, बड़ी प्यारी जगह है, वाह। अब तो कुछ देर यहाँ बैठेंगे। अरे नहीं रेनू, देर हो जाएगी। होने दो रेनू, तुम समझती नहीं हो, 7 बज रहे हैं रेनू। बजने दो रेनू, तुम जानती नहीं हो, बड़े भैया बड़े गड़बड़ हो जाएगी घर में। मन्नू हाँ। तुम कुछ नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हो? यही कि आजकल की लड़कियां बड़ी आलसी होती हैं, एक बार बैठ जाती हैं तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेती। चलो चलो जल्दी करो प्लीज रेनू, प्लीज कम ऑन प्लीज। कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मगर क्यों? कुछ भी नहीं। कुछ बात तो जरूर है, कहो ना। अरे कहो कहो। मन्नू मेरी शादी हो रही है। शादी? शादी? ओ, ओ, शादी किस बुद्धू के साथ? बुद्धू के साथ नहीं, एक रियासत के कुमार साहब के साथ। कुमार साहब के साथ? वो तो हो गई। लगता है तुम्हें कुछ जलन हो रही है। हा? जलन? मुझे क्यों जलन होने लगी, लड़कियों की शादी तो होती है, और फिर ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी किसी कुमार के साथ होगी, बड़ी धूमधाम होगी, दावतें उड़ेंगी, और मैं भी आऊंगा। तुम्हें खुशी हो रही है? खुशी तो होनी चाहिए। हाँ एक बात जरूर है कि इस तरह हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा, घूमने फिरने की आजादी नहीं रहेगी। बस और कुछ नहीं? और क्या होगा, मेरी शादी हो जाएगी, मैं पराए घर चली जाऊंगी, इस बात का तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? हाँ, नहीं तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रेनू 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 देख किशनचंद जी, अगर आप हाँ कह दें तो मुझे इत्मीनान हो जाए। अजी राजा साहब, रिश्ता आप लेकर आए हैं, अब भला मैं ना कैसे कर सकता हूँ।
मगर बात यह है कि एक बार रेणु से पूछना भी जरूरी है। जरूर, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए रेणु को पसंद कर चुका हूँ। शुक्रिया राजा साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं यही कहना चाहता था, वैसे तो बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते प्रकाश के लिए आए, लेकिन वाकया यह है रेणु के मुकाबले मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। मगर ये प्रकाश विलाय से वापस कब आ रहा है? आने वाला है कुछ दिनों में, और भगवान ने चाहा तो आप उसे देखकर उतना ही खुश होंगे जितना मैं रेणु को देखकर खुश हुआ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर वो आपका छोटा भाई है। किशनचंद जी, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसलिए कि वो कुछ हुनर है। अरे बेटा रेणु, जरा इधर तो आओ, आपसे मिलो। आप है राजा हरदयाल सिंह। नमस्ते रेणु। बेटा ये डिजाइन पसंद है? मैंने कहा राजा साहब, भला इसकी क्या जरूरत थी, खाली हाथियों की लड़की को देखने आता है। शगुन की बात है। ले बेटा, आप ही कह दीजिए ना। ले लो बेटा, ले लो, जब राजा साहब की यही मर्जी है तो भला हम कैसे इनकार कर सकते हैं। शुक्रिया। पिताजी मैं अब। हाँ हाँ बेटा, अब तुम जा। नमस्ते। इतने रईस बाप की इकलौती लड़की होते हुए भी कितनी सुशील और शर्मीली है, बहुत ही अच्छी जोड़ी रहेगी। अरे सुबह का मन में और शाम का मन में तुझे फर्क नहीं मालूम पड़ रहा? नहीं तो ले। हाँ, जरा मोटा हो गया। मोटा क्या, क्या सोच रहा तू? कुछ तो नहीं। कुछ कैसे नहीं, रोज खाते वक्त हंसता था, गाता था, उधम मचाता था। बता मत, क्या हुआ तुझे? मैंने कह दिया ना कुछ भी नहीं हुआ। बोलना क्या हुआ, बोलना। मैंने कह तो दिया कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं, वो आग से खेल रहा है। एग्जैक्टली, आग से। हाँ आग से। मैं तुझे कह चुका हूँ कि दौलतमंद लड़कियों के बीच में मत पड़, मत पड़। तू अब चुप हो जा, वो कभी किसी का साथ नहीं देती। अगर तू उस लड़की से मिलना जुलना नहीं छोड़ेगा तो इसी तरह जिंदगी भर सोचता ही रह जाएगा। खाना छोड़ के। खाना का? लेकिन मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानता? यही कि हर पैसे वाली लड़की। मन्नू, तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी। मन्नू, तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी? तूने देखी है? नहीं। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, और सारी मुसीबत की जड़ है, उसकी परछाई तक से दूर रहना चाहिए। तो फिर तुम अपने पास लड़की की तस्वीर क्यों रखते हो? मैं तुम दोनों से बात छुपाने वाला नहीं था, सोचा था मौका आने पर बताऊंगा। तूने पूछा वो फोटो मैं क्यों रखता हूं, इसलिए उस लड़की को मैं बहुत चाहता था, वो भी एक दौलतमंद लड़की की, सुन रहा तू? लेकिन उस वक्त मैं एक मामूली हैसियत का इंसान था, इसलिए उसने मुझे ठुकरा कर अपने जैसे दौलतमंद से शादी कर ली। उस बात का सदमा अब तक मेरे दिल में है, और अगर तुम दोनों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं न जाने क्या कर डालता, शायद शायद अपने आप को खत्म कर देता। मैं सिर्फ तुझसे ये कहना चाहता हूं कि जो हालत मेरे दिल की हुई वो तेरी ना हो, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खाना खा ले।
दिल से मिल गए क्या करेगी दुनिया सनम ओ दिल जब दिल से मिल गए जल मरेगी दुनिया सनम हाय दिल जब दिल से मिल गए क्या करेगी दुनिया सनम ओ दिल जब दिल से मिल गए जल मरेगी दुनिया सनम शाह मेरे साथ थोड़ी दूर चल कर देखो देखो ना यकीन आए तो दिल से दिल बदल कर देखो हम तुम्हारे हैं जरा घर से निकल कर देख लो हम तुम्हारे दूर की सोचता तो आपको शक था कि रामलाल गिरफ्तार हो जाएगा शक नहीं यकीन था मुझे सिर्फ इतना देखना था कि वो कितना चालाक है अब चुनाचा कि वो जेल में पहुंच गया है ऐसे साबित हो गया कि वो आदमी हमारे काम का नहीं है लेकिन राजा साहब अगर उसने अपना भेद पुलिस को बता दिया तो नहीं वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकता क्यों इसलिए कि मैं उससे कह चुका हूं कि उसके बाल बच्चों की परवरिश का जिम्मेदार मैं हूं चाहे वो जेल में जाए चाहे मुंह खोले राजा साहब आप बहुत दूर की सोचते हैं खैर ये तस्वीर देखो कैसी है बहुत ही खूबसूरत सोने की चिड़िया लखपति बाप की इकलौती लड़की तुमने सेठ किशनचंद का नाम सुना है हाँ,
वो तो आप जैसे तीन चार राजाओं को खरीद सकता है। हाँ, लेकिन ब्लड प्रेशर का बड़ा पुराना मरीज है। मालूम होता है आपके दिमाग में एक नई स्कीम बन रही। बन नहीं रही, बन चुकी। आज से तुम मेरे छोटे भाई राजकुमार प्रकाश चंद्र हो। सचमुच? नहीं, सिर्फ इस काम के लिए। एक्टिंग? कोई बात नहीं, क्या करना होगा मुझे? शादी। इससे? हाँ, अभी तुम विलायत में हो, कुछ दिन बाद वापस आओगे, उसके बाद तुम्हारी मुलाकात रेनू से कराई जाएगी। फिर एक ही महीने में तुम रेनू के दिल पर और उसके बाप के दिमाग पर अपनी खूबियों का इतना असर जमाओ कि वो सिवाय तुम्हारे किसी और को अपने दामाद के काबिल न समझे। ओके, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। ओ, समझा। और फिर अचानक रेनू के पिताजी दम तोड़ देंगे और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। सारी नहीं, आधी। चलिए आधी सही। राजा साहब, जहां तक मेरा ख्याल है, इस किस्म की एक स्कीम आप पहले भी आजमा चुके हैं ना? कामनी के बाप का कोई 7-8 लाख रुपया मुझे मिला। आपके ससुर को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी थी? नहीं, उन्हें दिल के दौरे पड़ते थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था राजा साहब के आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आप इस किस्म की स्कीमें क्यों बनाते? प्रकाश, जब तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी तुम समझ जाओगे। दौलत वालों ही को दौलत की जरूरत होती है। भूखों को तो सिर्फ रोटी चाहिए, और अगर हमने किंचन की दौलत पर हाथ नहीं डाला तो कोई और डाल देगा। दुनिया में एक हम ही अकलमंद नहीं है। रानी साहिबा कमरे से बाहर निकल गई। कैसे निकल गई? सरकार जब भूमि खाना लेकर आई थी तब उन्होंने उस पर हमला कर दिया। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। उठो कामी। नहीं। उठो। चलो। नहीं। चलो। नहीं। 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 छोड़ दो मुझे। चुपचाप बैठे रहो। मैं चुप क्यों रहूं? मैं तुमसे नहीं डरती, फिर चुप क्यों रहूं? कामनी, अब मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डर सकती, अब तुम मेरी जबान बंद नहीं कर सकती। अब मैं चीख चीख कर कहूंगी कि तुम हत्यारे हो, तुमने पिताजी को जहर देकर मार डाला है। कामनी, ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। ये मैं कभी नहीं भूल सकती। अपनी रियासत के नमक हराम मैनेजर को मैं कभी नहीं भूल सकती। शैतान, पिताजी मेरी शादी ब्रिजमोहन के साथ करने के लिए राजी थे, लेकिन तुमने उसी दिन मुझे कैद कर लिया और पिताजी को जहर देकर मार डाला। और जब मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तुमने मुझे पागल मशहूर कर दिया। 10 साल से जो सितम तुमने मुझ पर ढाए थे उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। उसका बदला मैं जरूर लूंगी। छोड़ दो मुझे। इसका पागलपन बढ़ता जा रहा है, अब इसके हिरने ठीक नहीं। इसे ले जाकर बाप के वीराने घरे बंद कर दो। वहां इसका जितना जीव चाहे दिल खोल कर चिखेगी। ओके बॉस। लो, हो गई ना जान पहचान। अब तुम दोनों बैठ कर बातें करो, मैं जाता हूं अपने सॉलिसिटर के पास। टाटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आपका मकान तो बहुत शानदार है जी। थैंक यू। आप तो फिर खामोश हो गए। क्या बात करें जी,
कुछ भी बात कीजिए। कोट का कपड़ा अच्छा है जी। हाँ। आपको पसंद आया ना, ये मैंने विलायत में खरीदा था। वो तो दिखाई दे रहा है। क्या? मेड इन इंग्लैंड। आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही जी? आप मुझे इतना बदतमीज समझते हैं? जी नहीं नहीं, आप तो बहुत दिलचस्प मालूम होती हैं। राजा साहब ने आपके मुतालिक मुझे जो कुछ भी कहा वो तो कुछ नहीं। रेनू देवी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? राइडिंग। वेरी गुड। स्विमिंग। एक्सेलेंट। खासकर मोटर ड्राइविंग। मार्वेलस। मेरी भी यही हॉबीज है। मैं अपनी नई कार लेके आया। क्या मतलब? लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। चलिए घूम आते हैं। 8:30 बजे मेरी सहेली आने वाली है। तो अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, आधे घंटे तक वापस आ जाएंगे। चलिए ना। प्लीज। अरे आप तो बड़ी तकल्लुफ से बैठी हैं, आराम से बैठी अपनी गाड़ी समझ कर। हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए ना। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। आप बहुत समझदार। आप भी कुछ कम नहीं है। थैंक यू। आप जैसी समझदार लड़की पूरे कॉन्टिनेंट पर नहीं मिलेगी। ढूंढ कर देखिए आपने। अगर ढूंढता तो भी नहीं मिलती। मेरी स्पीड से आपको एतराज तो नहीं ना? कितनी तेज गाड़ी आप चला सकते हैं? अभी 60 जा रही है, 70 जा सकती है, 80 जा सकती है। मैं तो इससे बहुत तेज चला सकती हूँ। आप बहुत तेज है। वैसे मेरी असली स्पीड देखनी है तो आप कल आइएगा। कल? हाँ, जू एयरपोर्ट पे, वहाँ मोटर रेसिंग है। मैंने भी अपनी एंट्री दी है। अगर आप वहाँ आएंगी तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। आएंगी ना आप? तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जीतेंगे कैसे? मन्नू, तेरा काम तो खत्म हो चुका है, फिर तू इस तरह यहाँ क्यों खड़ा? ऐसे ऐसे ही? मैं समझ गया। क्या? अरे भैया, इस तरह मुंह लटकाने से क्या फायदा? जा और उससे मिला जा। नहीं, तू तो बिल्कुल होपलेस है। झट से जा, पट से चले, बड़े भैया को पता भी नहीं होगा। हाँ जा, तुम जो उगल दोगे। यही तो मुसीबत है मन्नू, मेरे पेट में कोई बात ही नहीं फंसती। बड़े भैया को प्लीज करो, तेरे को प्लीज करो। तू छोटा है ना, तेरे को कितना प्यार करता हूँ। मुसीबत ही मुसीबत है, बिल्कुल मुसीबत। बड़े भैया आ रहे। मुसीबत है। क्या मुसीबत है? कुछ नहीं, वो रेनू का फोन। मैंने तो समझा किया था कि नहीं। बड़े भैया, मैंने कहा था। रेनू का होगा। हेलो मोहन, क्या रे? कौन? रेनू? कुछ कह रही है? हेलो जी, आप किसे चाहती हैं? जगमोहन, तुम्हारा फोन है। जगमोहन, मेरा फोन कैसे आ सकता? कौन लड़की मुझे फोन कर सकती? हेलो, मैं शीला बोल रही हूँ। कौन? शीला? इमरजेंसी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? कुछ भी नहीं। क्या हो गया आपकी गाड़ी में? मेरी गाड़ी? मेरी गाड़ी तो ठीक है श्रीमान जी, लेकिन ये बताइए, आपका दिमाग तो सही सलामत है ना जी? आपने कहा था ना गाड़ी लेकर आऊंगा और घुमाने ले जाऊंगा। कहा तो था। आज आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग आज बहुत बिजी हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकता। ऐसा कीजिए, कल मोटर रेस है एरोड्रोम पर, वहां आप मिलिए। जी हाँ, वहां मैं आपकी गाड़ी शेवरलेट ठीक कर दूंगा। बिल्कुल। हाँ, मिलेंगे ना? आएंगे? वेरी गुड, जरूर आइएगा। जग्गू भैया, प्रश्न ये उठता है कि ये कैसा इमरजेंसी केस है? इमरजेंसी इज इमरजेंसी। जनाब, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी साथ आ जाती।
मुझे क्या मालूम था तू यहाँ आने वाली है। मुझे तो कुमार साहब के लिए आना पड़ा। अगर तू यहाँ कैसे? मेरे वो गोल मतुल जी आए हुए हैं। कहाँ है? वो क्या है? वो है ना पुरानी गाड़ी, उसके सामने। अरे तो ये लोग भी आए हुए हैं। अरे जय बोल बजरंगबली की जय। प्रणाम कर ले। देखो भैया, और जगो भैया इधर आओ। अभी क्या क्या हो गया? आओ अभी इधर मारो। कैसे भूल सकता हूँ? मैं समझा था कि तुम नाराज हो गई हो, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फोन करोगी। तो कर सकते थे। हाँ कर सकता था, फिर सोचा कि अगर तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया तो। हाँ, मैं पागल हूँ। हाँ, नहीं 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 रेनू, बात ही है रेनू, 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 मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम कभी नाराज हो जाती हो, कभी खुश हो जाती हो। तुम बातें ऐसी करती हो। अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ, लेकिन नाराज मत होना। एक बार फिर कान पकड़ो। ये लो। कुमार साहब, शायद मैं आपके लिए लकी साबित नहीं हुई, आपका इनाम मन्नू जीत कर ले गया। मनमोहन। अरे मैं पर्चे कराने भूल गई। मनमोहन कुमार साहब। प्रकाश चंद्र।
वही कुमार साहब जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कुमार साहब, ग्लैड टू मीट यू। चलो देरी हो रही। ओके, टाटा। छेटे रेनू, मुझे तुमसे जरूर बात करनी है। क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, एक मिनट के लिए उधर चलो। मैं एक मिनट में आती हूँ। चलो। रेनू, हाँ? तुम्हारी शादी इसी कुमार के साथ तय हुई है? हाँ, क्यों पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से शायद मेरी भूल होगी, मगर ये किस रियासत के राजकुमार है? वो मैं क्या जानू? बिना जाने शादी कर रही हो? हाँ, क्यों? नहीं नहीं रेनू, तुम इसके साथ शादी मत करो। मैंने तो उसी दिन कहा था कि तुम्हें कुछ जलन हो रही है, पर उस दिन तुम नहीं माने थे। ठीक है। नहीं, तुम समझे नहीं रेनू। मैं सब समझती। मुझे लगता है उस दिन रात को लालचंद जौहरी की लाश फेंकते हुए मैंने इसे ही देखा था। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ रेनू। वो वही नाक नक्शा, वही डील डॉल, वही तौर तरीका और वही हफ्ती जैसे बाल। पानी 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 कोको कोको कोला कोको कोला। रेनू रेनू, ठीक है ना? तुम ठीक कह रहे हो ना? मैं ठीक कह रहा हूँ रेनू। मैं जिसे एक बार देख लेता हूँ उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। जल्दी से पुलिस को खबर कर दी। हाँ। नहीं, नहीं, नहीं नहीं, अगर तुम्हारी शक्ल निकला तो हम फंस जाएंगे। फंस जाएंगे तो क्या करें? तो क्या करें? क्या करें? याद आया, हमें CID बन जाना चाहिए। ठीक हाँ। है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। अब तुम ही समझो। हमें 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 खुफिया तौर से उसका पीछा करना चाहिए। हाथ का मिलाओ, हाथ का मिलाओ। और पूरी तौर से पता लगाना चाहिए कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता। मेरे साथ होगे ना? जरूर दूंगा। अच्छा, मैं मौका मिलते टेलीफोन कर दूंगी। बिल्कुल। मैं इस मामले में भाई को परवाह नहीं करता। टाटा मन्नू, टाटा टाटा। CID I'm CID. जगो भैया, हो गया? अब प्रश्न ये उठता है कि परिचय नहीं करवाओगे? तू तू यहाँ क्या कर रहा है? घर नहीं चलना है, चलो। वो तुम्हारा दोस्त है? एक मामूली मैकेनिक के साथ तुम्हारी दोस्ती? तो क्या हुआ, इसमें हर्जी क्या है? लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद? लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम एक मामूली मैकेनिक के साथ सब लोगों के सामने इस तरह से हंसी मजाक करो। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ऊंचे ख्यालात के आदमी हैं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेहया बेशरम हो। शट अप, मुझे ये सब कहने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। होने वाला हो तो नहीं और न कभी होगे। आपको रेनू से किस लिए मिलाया गया था? जी वो बिजनेस के लिए, न कि इश्क फरमाने के लिए। लड़की हजारों मिल सकती है लेकिन रेनू जैसी दौलत में नहीं। अगर तुम्हें इश्क ही फरमाना है तो तरीका वही होगा जो मैंने बताया। तुम्हें रेनू मिल जाएगी और मुझे दौलत। राजकुमार साहब, मेरे तजुर्बे से फायदा उठाइए। वाह वाह, कितनी खूबसूरत चीज है। लेकिन बेटा, ऐसे कीमती तोहफे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये तो राजा साहब ने खुद पसंद किया और खुद भिजवाया। ये राजा साहब की जाती है, मैं इस बारे में उनसे खुद बात करूंगा। तोहफे की चीज है, वापस भी नहीं दी जा सकती। बेटा, इन्हें कबूल कर लो। आप गाड़ी तैयार है? ओह अच्छा, ये ऊपर ले जाकर रख दो। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, मुझे बड़ा जरूरी काम है, मैं चला। अच्छा, टाटा। बैठिए बैठिए। आप शायद
मुझसे नाराज हैं। मैं? नहीं तो क्यों? मोटर रेस के बाद मैंने आपसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसी के लिए आपसे माफी मांगने आया था। माफी? मैंने तो उन बातों का जरा भी ख्याल नहीं किया। अच्छा, और मैं परेशान था कि पता नहीं आप क्या क्या सोच रही होंगी। हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा, अब मुझे आज्ञा है। आप जा रहे हैं? जी हाँ, एक बहुत ही जरूरी काम है। जरा देर तो बैठिए। मैं जरूर बैठता लेकिन कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे कहने से भी नहीं रुकेंगी। आज माफ कर दीजिए। अच्छा, तो मैं समझ लेती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं और आपसे नाराज? कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं तो बैठिए एक मिनट प्लीज। थैंक यू। हेलो, मोहन ब्रदर्स गैरेज, हू स्पीकिंग? रेनू, लड़की मर गए उस्ताद। क्या? टेलीफोन, लड़की। लड़की? हाँ। हेलो, कौन? रेनू? वो आया है। आया है और अभी अभी चला जाना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम उसे बातों में लगा कर रखो, मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ। तुम जल्दी आ जाओ। मैं अभी आता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? है? अच्छा, तुम एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर रखूंगा और 2 हॉर्न बजाऊंगा, तुम समझ लेना मैं आ गया। ओके? अच्छा। माफ कीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे 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 अरे, रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई, हुई रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। शाम ढली नहीं और चले तुम उठ के सनम, यूं न चलो इतना कि अजीब तुम्हें मेरी कसम। शाम ढली नहीं और चले तुम उठ के सनम, यूं न चलो इतना कि अजीब तुम्हें मेरी कसम। देखो बलम यूं ना ढास तुम, ना चुकूं मैं तो जैसे छुई मुई, रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। कहने की बात पड़ी है जरा मुझे कहने तो दो, प्यार भरे मेरे दिल में है क्या मुझे कहने तो दो। कहने की बात पड़ी है जरा मुझे कहने तो दो, प्यार भरे मेरे दिल में है क्या मुझे कहने तो दो। ठहरा पिया होश वाले जरा, जब से तुम आए मैं हूँ खोई खोई, अरे 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 रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुभ जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। चाहत का बदला है ये क्या जरा सोचो सनम, मरते हैं हम नहीं तुमको पता जरा सोचो सनम। चाहत का बदला है ये क्या जरा सोचो सनम, मरते हैं हम नहीं तुमको पता जरा सोचो सनम। ठहरो जरा दिल ना तोड़ो मेरा, ठुकराने वाले क्या सोचेगा कोई, हाय 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 रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। ए रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। बड़ी दिलचस्प है आप। रेनू,
मुझे यकीन न था रेनू कि तुम मुझे अपने दिल में इस तरह जगह दे दोगे। आपको देर हो रही है। नहीं तो इस वक्त तो अगर मुझे दुनिया भर की सब खूबसूरत लड़कियां मिलकर बुलाएं, तो भी मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं रहूं। हाँ, नहीं? हाँ? अरे हाउ स्वीट। लेकिन आपने कहा था आपको जरूरी काम से जाना है। हाँ, काम था, काम कल हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके किसी काम में हर्ज हो। आपका काम बहुत जरूरी है, मेरा क्या है, मैं इंतजार कर लूंगी। तुम मुझे जाने के लिए कहती हो रही ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि ऐसे मौके फिर आए मैं आपको फिर रोकूं। How sweet, Renu. How sweet of you. तुम कितनी अच्छी हो रही। मेरा जाने को दिल तो नहीं चाहता। मेरा भी नहीं चाहता। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। रेनू, रेनू, हाँ, रेनू, क्या रेनू, रेनू कुछ बोलोगे? उसे कहीं शक तो नहीं हो गया कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं? शक? हाँ, शक कैसे हो सकता है? देखो देखो, अब वो गाड़ी धीमी चला रहा है। तुम भी गाड़ी धीमी कर दो। हाँ, इससे दूरी दूर रहना अच्छा है, कहीं पीछे मुड़ के देख लिया तो फौरन पहचान लेगा। तुम्हें मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? वो तुम्हें दूर से पहचान सकता है। इस गाड़ी में मुझे कैसे पहचान सकता है? क्योंकि तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत चेहरे का छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। सर, आप शायरी बंद कीजिए, ऐसे तो आपको भी पहचान सकता है। वो कैसे? मोटरवेज में अच्छी तरह देखा उसने तुम्हें। अरे हाँ, अरे मैं क्या करूँ, मुझे पहचान लेगा। तुम तो घबरा कर मुझे भी नर्वस कर दिया। रेनू, रेनू, अब देखो तो, अब वो मुझे नहीं पहचान सकता। अब तो मैं भी हंसो मत, सब गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो, मत हंसो, एक काम करो, तुम अपना हुलिया बदल लो। मैं अपना हुलिया कैसे बदलूं? अरे भाई, मैं अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लाया हूँ, पीछे रखे पहन लो। तुम्हारे कपड़े मैं कैसे पहनूं? मजाक मत, हंसो, गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज जाओ, प्लीज जाओ, जाओ, हंसो मत। CPV65। रेनू, रेनू, हाँ, कपड़े पहन लिए? जल्दी करो, हंसो मत। रेनू, अरे बस देखो, पहन लिए कपड़े, एक्सीडेंट हो जाएगा। आ जाओ सामने, आ जाओ। अरे, गाड़ी रोक ले। हाँ, गाड़ी। अच्छा, उसका पीछा करें। करो, चलो तुम। नहीं नहीं नहीं, थक गया तो मुश्किल होगी। क्या करें? क्या हुआ? कोई पीछा कर रहा है? पुलिस? नहीं, पता नहीं कौन है, फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए। मेरा वो भेष बदलने का सामान था, पता नहीं कौन लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ। गाड़ी तो जानी पहचान मान, उसमें सब सामान है ना। और वो कहा करना, राम से तू बाहर जाकर मेरी गाड़ी के पास खड़े रहना, और मैं इधर बेकरी से जाकर के उन लोगों को संभालता। लेकिन हमें वक्त पर पहुंच कर जहाँ से माल उठाना है, कहीं वहाँ का ना मामला बिगड़ जाए। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं एक मिनट में संभालता हूँ उसको। तू तैयार हो, फिर वहाँ चलेंगे। अभी तक नहीं आया मेरे ख्याल से, वो नहीं आएगा। क्या उसकी गाड़ी खड़ी आएगा किसी ने? रेनू, हो सकता है उन लोगों का अड्डा यही हो। जरूर वो लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर करनी। चलो चलो। पुलिस!
रेनू क्या हुआ? पंचर मर गई। अरे गाड़ी जा रही है। सोया नहीं अभी तक? कहाँ गया था? बाहर। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गया था? बाहर गया था, जरूरी काम था। एक बजे रात तक लड़की के साथ गया था और मुझसे कहा था जरूरी काम था। लड़की? उस लड़की ने तुझे टेलीफोन करके नहीं बुलाया था? और मैंने तुझे वहां जाने को मना किया था कि नहीं? फिर वहां क्यों गया था? जवाब दे, क्यों गया था? लड़कियों के बारे में तुम्हारे जो ख्याल थे मेरे नहीं। कैसी बातें करता? अरे मन्नू जरा तमीज से बात कर, तुम मेरे मुंह पर जवाब देता है? मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा सामने के, समझा? तुम बॉक्सिंग चैंपियन हो, दांत तोड़ सकते हो, लेकिन तुम मेरी आजादी नहीं छीन सकते। तुम मेरी बात नहीं मानेगा? मैं गलत हुक्म नहीं मानूंगा। अरे मुक्त मोर मोर के मुंडी टेढ़ी कर दूंगा। भाई भाई मैं झगड़ा, बॉक्सिंग कर लिया स्पोर्ट है, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे तू क्या लड़ेगा? डरपोक जाके दूध पी, लॉलीपॉप खा, समझा? लड़कियों के साथ घुमा करता है। भैया अगर तुम मुझे डरपोक कहोगे तो मैं लड़ूंगा। क्लब क्लब क्लब। लेकिन प्रश्न ये उठता भैया, तुम बॉक्सिंग के चैंपियन हो, तुम एक हाथ से पहना। मनु मनु का बहुत अच्छा, दोनों हाथ चला, मैं तो कर सकता हूँ। क्या लॉलीपॉप तैयार है? रेडी रेडी। मनु भैया को तो मालूम है, तुझे समझा दूं, बिलो द बेल्ट इज फाउल। कौन शेक हैंड? रेडी स्टार्ट। तुमने बटन डाल दिया। गुड गुड। कौन अब जाएगा उस लड़की से मिलने? जाऊंगा। बोल जाएगा? जाऊंगा। तुम बैठो, तुमसे जरूरी बातें कहनी है। क्या नाम है तुम्हारा? भूल गया मैं। रेनू। देखो रेनू, मैं जो कुछ कहूंगा उसे जरा समझने की कोशिश करना। तुम जानती हो हम तीन भाई हैं, अपने दोनों भाइयों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अब तक हमेशा वो मेरा लिहाज करते रहे, लेकिन आज उसने मेरा कहना नहीं माना। मैं मन्नू की बात कर रहा हूँ और उसके जिम्मेदार तुम हो। बैठ जाओ। तुम लोग रईस हो, दौलतमंद हो, अपना दिल बहलाना चाहते हो, और लेकिन मैं नहीं चाहता कि मन्नू को अपने दिल बहलाने का खिलौना बनाओ। मेरी बात सुन लो पहले। वो ना समझ है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, मेरी बात खत्म होने दो। इसलिए मैं चाहता हूं कि उससे मिलना जुलना तुम छोड़ दो। बस यही कहना है। ये मेरे लिए कोई छोटी बात? मेरे लिए भी कोई छोटी बात नहीं। मैंने मन्नू को कभी भी दिल बहलाने का खिलौना नहीं सोचा। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रहे हैं। क्या जानती हो तुम? यही, एक लड़की ने आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अगर वक्त आया तो मैं साबित कर दूंगी। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं?
खैर मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मम्मू से तुम मिलना जुलना छोड़ दो बस। आपको खुशी होगी? मैं अपनी खुशी की बात नहीं कर रहा हूं। मन्नू को खुशी होगी? अगर इससे मन्नू को खुशी होगी तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। सुनो, औरतों को मैंने कभी समझ सका ना समझा सका। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जो कुछ कहूं उसे समझने की कोशिश करना, और तुमने रोना शुरू कर दिया। देखो बात यह है कि मैं अपने भाइयों को बहुत ज्यादा चाहता हूं, और अगर मन्नू का दिल टूट गया जैसे कि मेरा दिल टूट चुका है तो मैं न जाने क्या कर बैठूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम जानते हो मैं बॉक्सर हूं, मेरे दिमाग के बॉक्सर। तुम दिखती नहीं वैसी जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। चलो पहुंच लो आंसू, और देखो क्या नाम है तुम्हारा, मैं भूल गया। रेनू। देखो रेनू, मन्नू से कहना नहीं कि मैं ये सब बातें करने के लिए तुम्हारे पास आया था। छोटा भाई है ना, उसे बुरा लग जाएगा। और बस मैं जाता हूँ, तुम्हारे जो दिल में आ करना। नहीं, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया ठहरे बॉक्सर, जब मर्जी में आप घूम सकते। हम लोग छोटे भाई करेगी तो क्या करे मन्नू? प्रश्न ये उठता है, एक लड़की और एक लड़का आपस में मिलते जुलते हो, इसमें बुराई की कौन सी बात है, है? और अगर मान लीजिए उठते बैठते उन्हें देर हो जाए घर आने में, तो इसका ये मतलब है कि बॉक्सिंग करनी चाहिए? नहीं, तुम चुप भी रहोगे या नहीं? ले भाई चुप, बस मगर चुप कैसे रहो मन्नू? टायर पंचर हो गया था। तू टायर पंचर जा 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 जा, टायर पंचर हो गया। अरे बोल ना मन, मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुझे धीरे धीरे बता दू। आना तो बड़े भैया को, मैं उनसे कह दूंगा तुम मुझसे ये सब बातें पूछ रहे थे। अरे बड़े भैया किसको नाम लेता है, जिससे दाने स्पोर्ट है, मैं सब कुछ नहीं नहीं सुन मनु, मैं आने तो बैठ जाएगा, तुम बहुत देर कर सकते हो। बड़े भैया ये अन्याय है कि रात के वक्त लड़कियों के साथ घूमना फिरना कोई अच्छी बात है, लेकिन तू क्यों पीछे पड़ता है? मैं नहीं पता, ऐसे ही बड़े भैया आप ही ने तो कहा था कि लड़कियों के साथ मिलना जुलना। हेलो मोहन मोटर्स गैरेज, ये रेनू, रेनू इससे बातचीत नहीं कर सकती है? तुमने तो कहा था लड़कियों के साथ बातचीत, मैं कह रहा हूँ इसे टेलीफोन दे। हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं, मगर यहाँ मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या करेंगे बड़े भैया, कह रही है बहुत जरूरी काम है, मुझे बुला के खबर दे, खबर दे, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ये जाएगा, मैं जाऊँ बड़े भैया, आ जा। हेलो हेलो, हाँ मैं आता हूँ, मेरा इंतजार करना। मैं खा, क्या हुआ? मैंने अपनी गाड़ी रोक ली और भेष बदल कर वापस उनके पास पहुंचा। वहां जाकर के जो कुछ भी देखा हैरान रह गया, उसमें रेनू थी और वो मोटर मैकेनिक। रेनू और वो लड़का, हाँ? आखिर वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है बॉस। उन्हें कोई ना कोई शक हुआ होगा, आखिर उस शक की क्या वजह है? हमें होशियार रहना चाहिए बॉस। वही मोटर, ओ तो यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पीछा करेंगे। प्रकाश एक काम करो, तुम वर्सोवा वाले मकान में चले जाओ, मैं यहाँ से टेलीफोन वगैरह करके पहुँचता हूँ और इनको अपना पीछा करने दो। ओके बॉस। कितनी देर हो गई, न तो कोई बाहर निकलता है न भीतर जाता है। मेरे ख्याल से इन लोगों का काम रात में होता होगा, दिन में वो बड़ी देर तक सोते। मनु कल तुम घर देर से गए थे, तुम्हारे बड़े भैया ने कुछ कहा तुमने? हाँ। क्या कहा? क्या कहा? नहीं 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सोच रही थी तुम इतनी देर से घर गए हो, तुम्हारे बड़े भैया जरूर बिगड़े होंगे। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं घर गया, मजे से खा पिया और सो गया। अच्छा तब तो तुम्हारे बड़े भैया वैसे नहीं जैसा कि तुम कहते हो। नारियल देखा है? नारियल नारियल,
मेरे बड़े भैया बिल्कुल नारियल जैसे, बाहर से सख्त और भीतर से नरम। गाड़ी खुशी से स्टार्ट स्टार्ट। नर्वस नहीं हो रहा हूँ, अब क्या करें? अंदर चले, मकान में जाने से बहुत कुछ पता चलेगा। ये तो ठीक है, मगर वो हमारे सामने ताला खोलकर अंदर गया है, इससे जाहिर है कि मकान में इस वक्त उसके सिवा और कोई नहीं। लेकिन रेनू, तुम इतने डर गए हो? मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, मुझे डर है तुम्हारे लिए। वो एक है, हम दो है। चलो चलो। ये तो भूतिया महल मालूम होता है। लगता तो ऐसे है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन वहां देखे का घर ऐसे लगता है जैसे कोई ऊपर चल रहा है। कुछ दोनों को वहां ऊपर वाले कमरे में बंधवा दिया है। गुड। किसी ने पीछा तो नहीं किया? विकाश जी, शादी करोगे रेनू के साथ? अभी मैं बिल्कुल तैयार हूं। जाओ मजिस्ट्रेट को बुला लो, और हाँ सेठ किशनचंद की भी जरूरत पड़ेगी। खैर उन्हें मैं बुलवा लूंगा, तुम जाओ, जब तक मैं इनकी मिजाज पुष्टि करता हूं। ओके बॉस। आप लोगों की खातिरदारी में कुछ कमी तो नहीं हुई? जी नहीं। अरे तुम्हें तो कहीं देखा है? रेनू तुम्हें सिर्फ दूध बदलने की क्या जरूरत थी है? ओ समझा। अब तुम्हें राजकुमार इतना पसंद आ गया कि उसके बगैर चैन नहीं? मुझे आपके भाई की सूरत से भी नफरत है। देखिए कैसे हो सकता है, उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। इनका इरादा किसी खूनी के साथ शादी करने का नहीं है। खूनी? क्या मतलब? आपका भाई खूनी है। मोहन! कौन कहता है? मैं कहता हूं। कौन है ये? ओ
तो ये हैं आपके फरहाद। शर्म। हंसो मत, मैं तुम्हारे भाई को फांसी दिलवा सकता हूँ। ओह, वो कैसे? मैंने अपनी आंखों से उसे लालचंद जौहरी की लाश फेंकते हुए देखा। मोहन, मोहन, अब हुए तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे। नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। चुप रहो प्लीज। अगर इसकी जान बचाना चाहती हो तो सीधे तरह प्रकाश के साथ शादी करने को राजी हो जाओ। क्या? कभी नहीं। उस जलील से शादी करने से पहले तुम्हें मर जाना बेहतर समझूंगी। बिल्कुल ठीक, तुम इसकी धमकियों की परवाह मत करो। आज ही रात को तुम्हारी शादी प्रकाश साथ होगी, और अगर तुम राजी नहीं हुई तो जबरदस्ती होगी। मैं तुम्हें सोचने के लिए 15 मिनट देता हूँ, जब तक तुम्हारे पिताजी भी आ जाएंगे। पिताजी? हाँ, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, समझे? नीच मोहन, अब क्या होगा? वो चपर कंजू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा ना कहो, मेरी खातिर तुम इस मुसीबत में पड़े। नहीं रेनू, गलती मेरी है। ना मैं तुम्हें यहाँ आने देता, ना हम दोनों इस मुसीबत में पड़ते। मोहन, हम किसी तरह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, नहीं। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मर नहीं है तो हम दोनों साथ मरेंगे। लेकिन तुम क्यों मरना चाहती हो? तुम्हारे बगैर मैं जीकर क्या करूंगी? मेरे बगैर? मैं समझा नहीं रहा हूँ। मैं तो समझी थी कि तुम समझते हो। कई बार सोचा कि तुमसे कह दूं, लेकिन नहीं कह सकती। और कहा भी तो मरते वक्त। मनु। हाँ। अब मैं नहीं मरना चाहता। फंसना तो आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। कौन है? मैं भी तुम्हारी तरह इन शैतानों के चंगुल में फंसी हुई हूँ। कैसे? क्या करूँगी सुनकर? ये एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन तुम कौन हो? मैं सेठ किशन चंद जी की लड़की रीलू। इकलौती हो ना? जी, हमारी मदद कीजिए। ये जालिम जबरदस्ती अपने भाई प्रकाश से मेरी शादी कर देना चाहता है। शादी? समझिए, एक बार कामयाब होगा ये शैतान फिर वही जाल बिछा रहा है। मैंने आपको कहीं देखा है? मुझे देखा है? कहाँ? कहाँ ये कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने देखा है, जरूर देखा है आपको। जरूर देखा है? दस साल से मुझे किसी ने नहीं देखा। दस साल से मैं कैद हूँ। 10 साल से इन 4 दीवारों के सिवा किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, और तुम कहती हो तुमने मुझे देखा है? पागल हो, पागल। याद आया, तस्वीर, तस्वीर मनु, मुझे तस्वीर। इनकी सूरत बिल्कुल तस्वीर से मिलती है। कौन सी तस्वीर? तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे भैया ब्रिजमोहन के तकिए के नीचे से जो मिली थी मुझे। ब्रिजमोहन, तुम जानती हो उनको? ये उनके छोटे भाई है, आप उनके भाई। हाँ, शक्ल तो मिलती जुलती है। कहाँ है वो? मोहन गैरेज, क्वींस रोड। मोहन गैरेज, क्वींस रोड। हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से आजाद कर दीजिए। अच्छा, मैं भी रस्सियाँ खोलती हूँ। शायद कोई आ रहा है, फिक्र मत करना, मौका मिलते ही मैं फिर आकर खोलती हूँ।
इधर चलिए। हाँ आइए सेठ जी आइए। आप यहाँ रेणु कैसी है? मेरी रेणु रेणु अच्छी है। अच्छी है मगर ये कौन सा अस्पताल है? अस्पताल तो नहीं तो घर है। घर है लेकिन इन लोगों ने जो कहा कि रेणु का कार एक्सीडेंट हो गया है उसे अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसी कोई बात नहीं आ बैठिए खता नहीं कोई बात नहीं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझे इस तरह यहाँ क्यों ले आए। सेठ जी इस खुशी के मौके पर हमने सोचा कि आपका शामिल होना बड़ा जरूरी है। खुशी का मौका मगर कैसी खुशी? आज हम कुमार की शादी रेणु के साथ कर रहे हैं। शादी? ये कैसे हो सकता है? सेठ जी माफ करना मजबूरी में हर काम बहुत जल्दी से करना पड़ा। मैंने मजिस्ट्रेट को बुलवा लिया है। मगर राजा साहब मुझे तो अभी तक रेणु की मर्जी का भी पता नहीं। मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि आप रेणु को पता नहीं कर सकते इसलिए मैंने आपके रहने का इंतजाम रेणु के साथ करवाया है। ये कैसी बातें हो रही है? कहाँ है रेणु बताइए कहाँ है? रेणु आज से आप हमारे मेहमान। आपके खाते तवाजुन में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। आपको सिर्फ एक जरा सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते। कोई बड़ी बात नहीं है दो चार दिन आदत पड़ जाएगी। खुशी रखिए बैठिए। सुनिए देखिए ब्रिज मोहन यहाँ है। जी हाँ बड़े भैया काम कर रहे हैं। कहिए मैं आपके लायक कोई सेवा? आप उन्हें जरा बुला लीजिए जरा जल्दी से मुझे बहुत जरूरी काम है। जी हाँ जी हाँ। भैया बड़े भैया क्या बात है जग्गू मन्नू की कुछ खबर मिली? दस बरस के बाद तुम्हें इस हालत में देखोगे ये तुमने कभी ना सोचा होगा। ये भी ना सोचा होगा कि मैंने ये 10 बरस किस तरह गुजारे। खैर जाने दो इन बातों को मेरे साथ जल्दी चलो। तुम्हारे साथ? मैं अपने लिए नहीं कह रही तुम्हारे भाई की जिंदगी खतरे में है। कौन मनमोहन? हाँ क्या बात? ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं जल्दी चलो। अरे कुछ कहने का जल्दी जगो। ये शैतान तुम्हें भी यहाँ लाए? बेटा मैं कहीं घबरा नहीं। बड़ी खतरनाक हो गई। वो तो मैं भी जान गया हूँ बेटा। लेकिन सेठ जी जानकारी से कुछ फायदा नहीं। अब भला इसी में है कि आप चुपचाप रेणु की शादी होने दें। हरगिज नहीं मैं अपनी बेटी की शादी एक बदमाश के साथ कभी नहीं होने दूंगा। होने देंगे अगर आप रेणु को प्यार करते हैं तो शादी जरूर होने देंगे। कभी नहीं होगी। अच्छी लड़की अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं चलती। शायद तुम्हारे डैडी कराएंगे। हरगिज नहीं मैं अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगा। नहीं होने देंगे। नहीं 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 पटन देना। अच्छा नहीं सर। मैं समझ गया कामिनी मैं सब कुछ समझ गया। और आज 10 बरस बाद मुझे तसल्ली हुई थी। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सोचा था सब गलत था। अरे जरा जल्दी करो। क्या हुआ?
मैं तीन तक गिनूंगा और तुम्हें फैसला का मौका देता हूँ जो कि हाँ होना चाहिए, वरना वहां गोली चल जाएगी। सोचना शुरू कर दो। बेटा हाँ कर दे, वरना नाहक इस गरीब की जान चली जाएगी। नहीं रेनू, नहीं नहीं रेनू। शाबाश, इसको तो ले जाओ। रोना बंद, कान खुले सुन लो। जो कागजात आ रहे हैं उस पे हंसते हुए चुपचाप खामोश दस्तखत कर दो, वरना ये बेचारा बहुत दूर चला जाएगा। मन्नू, मेरे भैया कहाँ you
ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। पहले तो मार मार कर घायल कर दिया, अब आयोडीन लगा कर जला रहे हो। मर गया, मर गया। सर जी एक बात कहूँ? फरमाइए। मेरा ख्याल है मनु और रेणु को जुदा नहीं रखना चाहिए। अगर आप इतराज ना हो तो। जी किसी ने सच कहा है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा कादी? भला इसमें मुझे क्या इतराज हो सकता है? बड़े भैया, बड़े भैया, मेरा क्या होगा? तुझे क्या हुआ? तुम्हारा हो गया, इधर मनु का भी हो गया, अब मेरा क्या होगा? बड़े भैया पूछ ले। सुनो बड़े भैया पूछते हैं, तुम मुझसे शादी करोगी? शादी नहीं करोगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मुझे अकेला मत छोड़ो। बड़े भैया सब से कह दो कि तुम मुझे हद से ज्यादा प्यार करती हो। कहिए दत्त। दत्त का मतलब है हाँ। हाँ चलो फिर। अरे छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। अरे बच्चा नहीं, मेरे समय लड़की का हाथ पकड़ता है? फैसला हो गया? खुश है? हाँ खुश हो। भैया घर चल। चलो इसको भी ले चलो। बड़े भैया चलो हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की, और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े ठोकर से तार दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न फुकारे पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न फुकारे पम पम पम, For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.